में ये परवरिश बिल्कुल अलग नहीं है जो आम जिंदगी में आप हर रोज देखते हैं ना, वैसी है। रिया जो आप देख रहे हैं टीनेज मेरी बच्ची है, वो मोबाइल फ़ोन पे लगी हुई होती है, वो फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करती है देर रात तक, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, वो आम जिंदगी में आप देखते हैं ना, तो वही सारी चीज़ वही सारी चीज़ें होती हो रही है। पर रिया में अलग अलग खूबियाँ हैं, जैसे ये हॉर्स राइडिंग करती है, ये पेंटिंग करती है, ये फोटोग्राफी करती है, तो उसके इंटरेस्ट शायद अलग है, पढ़ाई में उसके इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन माँ कहती है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन पीछे पड़ी रहती है मेरी माँ। एज पेरेंट्स हम लोग भूल जाते हैं कि शायद बच्चों के कुछ अलग इंटरेस्ट हो भी सकते हैं, उन पर भी अगर हम लोग ध्यान दें तो शायद वो उनमें आगे बढ़े, लेकिन पेरेंट्स को चाहिए 100 मार्क्स और रिया को चाहिए फोटोग्राफी और पेंटिंग और पॉटरी। तो ये आमतौर की ज़िंदगी में आप देखते हैं ना, वैसे ही हमारे शो में हो रहा है, हमारी फैमिली में। हाँ। जी जी बिल्कुल, रिया हाँ। तो मेरी बेटी, अभी मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया है, जैसी है ये, मॉम ही है मेरी, सेट पे नहीं जरा भी नहीं, बहुत केयरिंग है ये, बहुत अच्छी है। मैं स्ट्रिक्ट हूँ लेकिन मैं रिया को पूरी फ्रीडम देती हूँ, आज़ादी देती हूँ, वैसे ही मैं मेरे बच्चों को भी आज़ादी देती हूँ। मैं प्रोटेक्टिव हूँ लेकिन इतनी मतलब ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं कि उनको मैं छूट ना दूँ, तो रिया के साथ भी मैं ऐसा ही करती हूँ। हाँ। बस इनको डर लगा रहता है कि मैं कुछ गलत ना करूँ, इसलिए पूछती रहती है मुझे, मैं फोन के पीछे पड़ी रहती है। खुद की लाइफ से तो हाँ सेम ही ऑलमोस्ट नहीं, एक्चुअली रिया बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी लड़की है, वेरी वेल ब्रॉट अप आई मस्ट से। वो आज की जो जनरेशन है उनसे बिल्कुल अलग है, तो मैं हमेशा रिया को कहती हूँ कि भाविका को कहती हूँ कि भाविका यू आर नॉट लाइक टुडेज जनरेशन यार, सो आई थिंक वी आर मोर ऑफ फ्रेंड्स एंड दैट्स व्हाई आई डोंट इंटरफियर इन हर लाइफ सो मच। जी मेरी तकदीर में बेटियाँ ही बेटियाँ लिखी हैं, तो मैं मेरे हर शो में मेरी बेटियाँ ही होती है, तो मुझे अच्छा लगता है, आई लव इट, बिकॉज आई बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट एंड आई बिलीव दैट वुमेन आर वेरी गुड, सो आई लव इट। जी मैं नेता नहीं हूँ ना ही मैं मिनिस्टर, तो मैं कोई भी संदेश नहीं देना चाहूँगी, इतना ही कहना चाहूँगी, प्लीज़ हमारे शो को देखिए। परवरिश 2 एक मैसेज लेकर आ रहा है कि अपने बच्चों की बातें सुनिए, क्योंकि जो कभी कभार बच्चे कह जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो डोंट मिस इट। एंड भाविका 23 नवंबर से रात को 9 बजे प्लीज़ देख लेना, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा की है, प्लीज़ इसे भी पसंद कीजिएगा जैसे आपने सीज़न 1 को पसंद किया था। थैंक यू वेरी मच।